हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में, अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह अपनी घरों में हंसता और बसता रखे। और आज मैं 3 से 4 साल के बच्चे की हुडी और ये भी फ्रंट पॉकेट लेके आई हूँ। ये यहाँ भी डिज़ाइन और ये हुडी और ये साथ में हुडी ऐसी। ये इसके स्लीव्स और ये ठीक। और मैं बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ओके। चलिए मैं आपकी इसकी मेजरमेंट करती हूँ। वैसे तो मैंने बनाते हुए भी, लेकिन थोड़ी सी मुझे ये हुडी थोड़ी सी लंबी लगी है, लेकिन बाज बच्चे लंबे ही होते हैं। ये देखें, ये मेरा यहाँ से मैंने इसको अगर करना शुरू किया है तो ये तकरीबन ऐसे फुला के ऐसे करो ना, तो ये 17 इंच तक की है। आइडली वैसे ये 16 इंच तक की होनी चाहिए थी, जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है 16 to half 16 तक। ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, आप देख लें अपने बच्चे की। मैंने अगर यहाँ से करती हूँ, इधर तक मैंने ये किया था, यहाँ से फिर आगे चले थे, तो ये 11 इंच है। आप अपने बच्चे की ओल्ड कार्डिगन, जंपर, कुछ भी देख लीजिएगा। अगर तो आपको 11 इंच चाहिए तो आप एज इट इज़ ऐसे ही बना लीजिए। अगर आपको को यहाँ से लेंथ 10 इंच, आइडियली ये 10 इंच तक होती तो ज़्यादा बिल्कुल फिट होती, क्योंकि मेरे पास भी नाप नहीं होता इतना जब बनाने लगती हूँ तो। बाद में अगर दोबारा ये चीज़ मैं बनाऊँ तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल ठीक बनाऊँगी, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि पूरा एक सैम्पल पहले खुद बनाऊँ फिर आप लोगों को बना के सिखाऊँ। तो बस मैं अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देती हूँ, और जो कोई गलती मैं फील करती हूँ तो मैं आप लोगों को साथ में बता भी देती हूँ। और इसमें क्योंकि ये स्लीव ठीक होंगे बिल्कुल, यहाँ अगर 10 इंच आप कर लो तो इधर जब आप बनाओ तो इसकी लेंथ आप यहाँ तक कर लेना इतना, यानी कि ये 2, 4, 6, 8 सिलाई अगर कम डालोगे ना तो ये एक आइडियल लेंथ की हो जाएगी, एक स्टैंडर्ड साइज की, ठीक है ना। अभी ये थोड़ी सी 1 इंच लंबी है, लेकिन वही बात है बच्चों पे, बाज बच्चे लंबे भी होते हैं। अगर लंबी लेंथ का बच्चा तो उसके तो वैसे ही पूरी होगी। तो चले मैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आपको बता दूँ तो ये 14 इंच बिल्कुल फिट चेस्ट होगी 3 से 4 साल के बच्चे के लिए, एक जो नॉर्मल बच्चा है। अगर बच्चा बहुत स्लिम स्मार्ट है तो 4 से 5 साल का भी पहन सकता है। अगर बच्चा 4 से 5 साल का बच्चा पहनेगा तो उसकी तो लेंथ भी फिर कवर हो जाएगी, ठीक है। और अगर लेकिन अगर बच्चा चब्बी है तो तब भी इसमें काफ़ी फ्लेक्सीबिलिटी होती है, ये चब्बी बच्चे को भी ये फिट होगी। तो बाजू इसके अगर मैं यहाँ से करती हूँ 13 इंच, बिल्कुल वो ठीक एक स्टैंडर्ड साइज़ है। और इसकी क्योंकि यहाँ तक यहाँ आती है तो ये 18 इंच है। बाजू बिल्कुल ठीक हो गए, उनको छोटा बड़ा करने की नीड नहीं है, वो आप एज इट इज ही बना लीजिएगा। यहाँ आपने अगर करना है तो आप 1 इंच छोटा कर सकते हो, वरना मैं तो प्रेफर करूंगी ऐसे ही बना ले, क्योंकि 2 सीजन बच्चे के चल जाएगा ना, एक जरा बड़ा बड़ा दूसरे साइज फिट। और ये तो होगी इसकी वो पूरी मेजरमेंट जो मैंने आपको बता दी है, ठीक। वूल जो इसको लगी है वो तकरीबन 100 ग्राम के 2 बोल और उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें यूज़ हुआ है। तो आप और ये वाला तकरीबन नियरली 100 ग्राम लगा, यानी कि इसको टोटल बूट 300 ग्राम प्लस समथिंग 320 आप कह लें ग्राम लगी हुई है। तो आइडियली आप ये करें कि एक कलर जो आपने ये वाला यूज़ करना है तो वो 100 ग्राम ले लें और ये 250 ग्राम ले लें, बेटर होता है थोड़ा सा ज़्यादा वूल का होना, ठीक है। तो ये तो इसका वूल के बारे में था। और हाँ, एक बात जो मैं अपनी बहनों से करना चाहती हूँ, मेरी जो ओल्ड मेरे जो प्रोजेक्ट है उनको लेके इतने आ जाते हैं मेरे पास कमेंट्स, इवन कि अगर टोपी है तो आपने उसमें कितने स्टिचेस या कितने फंदे डाले हैं। अगर आप वो वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप वॉच कर लें तो डेफिनेटली मैंने वो बताया होगा। ये हो ही नहीं सकता कि मैं टोपी बनाऊँ और उसके मैं स्टिचेस या फंदे ना बताऊँ। मेरे लिए
मेरा मैं जैसा कि बहुत दफा बता चुकी हूँ, मैं नियरली 60 ओल्ड लेडी हूँ, ठीक है ना। मैं इधर चीज बनाती हूँ उधर भूल जाती हूँ, बल्कि बनाने के दौरान भी मुझे अब इतना याद करना पड़ता है कि मैं नोट करती हूँ। और जैसे ये मैंने प्रोजेक्ट डाल के कोई और शुरू करूंगी तो पिछले वाला ऐसे वाइप हो जाएगा मेरे ब्रेन से। तो प्लीज अगर मैं दिन में वही बार बार अपनी वीडियोस को देख देख के आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देने से बेटर है कि आप उस वीडियो को खुद एक दो दफा देख ले। स्किप करके देखते हैं वो मिस हो जाता है, तो फिर कहते हैं कि आपने बताए ही नहीं है। मैं जब मैं देखती हूँ तो वो मैंने बताए होते हैं। हाँ, कोई और क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो आप वो मेरे, ये फंदे कितने, वूल कितनी, वो मैं बहुत डिटेल बताती हूँ आपको। और सब डिज़ाइन का भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ इतना सिंपल कर सकूँ करूँ। तो और दूसरी बात ये होता है कि जैसे मैंने बार बार बताया कि हर एक जब आप डिज़ाइन बनाते हो वो एकदम आप जंप नहीं कर सकते, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 होता है, ये हो सकता है। ये वाला डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि अगर आप इसका यानी कि एक एक ऐसे खुला करते जाओ, दो खुले करते जाओ तो ये बनेगा, उतनी उसकी लेंथ करो। बस डिज़ाइन ऐसे नहीं होते, तो अगर आपने इससे बड़ा या छोटा करना है तो थोड़ा सा खुद भी ट्राई कीजिएगा, हिम्मत कीजिएगा। तो अगर छोटा बनाना है तो इसके ये 4 पे 1 कंसिस्ट है तो 4 लेस कर दे, अगर और छोटा करना है तो आप कर दे, उतनी लेंथ छोटी कर दे। ये एक आइडिया है जो कि मैं आपको देती हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप नीटिंग करते रहते हैं तो आपको भी बेखूबी अंदाजा हो जाता होगा। हाँ, मेरी वो बहनें जो कि इतनी ज्यादा नीट नहीं करती तो उनके लिए हो सकता है मेरे प्रोजेक्ट थोड़े से हार्ड लगते हों। मैं पूरी कोशिश तो करती हूँ और करती भी रहूँगी कि आगे से आगे सादा सिंपल और मोर प्रोजेक्ट बना सकूँ, लेकिन फिर भी जो कोई चीज बनाओ तो वो होता है कि वो ऐसी हो कि वो पहने हुए भी अच्छी लगे। और इसके साथ आप अगर कोई भी टॉप इतने अच्छे आपको इसकी लेग मिल जाती है, पेंट मिल जाएंगी, जॉग मिल जाएंगे, तो आप उसके साथ बड़े अच्छे घर में सर्दियों में बच्चा बहुत इजी ये पहन सकता है और कंफर्टेबल भी रहेगा। यही इसके बारे में मुझे बात करनी थी। वूल मैंने बता दी है और इसके बारे में भी फुल डिस्क्रिप्शन दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हुडी को बनाते हुए मैंने इसकी पूरी मेजरमेंट इसमें बताई हुई है, फिर भी आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट लाइक हुआ कि नहीं हुआ, और अगर लाइक हुआ है तो लाइक का बटन भी दबा दिया करें ताकि यूट्यूब प्रोग्राम में इस चीज़ की को लाइक जाए और वो दूसरे लोगों तक भी स्प्रेड हो, ठीक है। और बस आप अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, दुआओं में याद रखें। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगी। आप मुझे अपनी फैमिली की तरह लगने लग गए हो जब आप इतने प्यार से कमेंट करते हो, तो अभी तो आप इसको इंजॉय कीजिएगा। तो मैं इसकी वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये इसके लिए जो मैंने ये वूल ली है, ये क्राफ्टी वालों की डबल निट है, तो ये 2 कलर कॉम्बिनेशन से मैं बना रही हूँ। लेकिन कोशिश करें जब आपका 2 कलर कॉम्बिनेशन हो तो जो वूल हो उनका ब्रांड एक ही हो ना। 2 मुख्तलिफ कंपनियों की लोगे तो समटाइम वूल की थिकनेस में और उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है ना। सेम ब्रांड की चीज़ लोगे तो वो बेटर होता है लेने के लिए। और इसके लिए जो मैं नीडल वही 4 mm UK साइज 8 यूज़ कर रही हूँ। ये 4 mm, ओके, UK साइज 8। अब मैंने ये किया है कि इसके बॉर्डर मैंने बना लिया है, उसकी सिर्फ 2 सिलाइयाँ रह गई हैं, वो मैं आपके साथ बनाऊंगी। ये मैंने 83 स्टिच लिए हैं, जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तभी मैं साथ साथ लिखती भी हूँ। 83 स्टिचेस लिए हैं मैंने, ओके। ये लेने के बाद मैंने इसका बॉर्डर बनाना शुरू कर दिया। अभी बॉर्डर वही जो मैं अपने हर एक डिज़ाइन पे बनाती हूँ, और जो मेरे फर्स्ट टाइम जो मुझे देख रहे हैं ये मैं उनके लिए ऐसे बनाना है। ये फर्स्ट पहले वाला स्टिच तो मैंने ऐसे उठा लिया, ये जो सीधा स्टिच आ रहा है सीधा, इसको आपने बैक से लेके ऐसे तो फिर बनाना है, ठीक, यॉन ओवर धागा आगे। ये जो मेरा पल उल्टा स्टिच है उसको भी बैक से बनाना है, सीधे स्टिच को भी बैक, उल्टे स्टिच को भी बैक से,
निट जो है बैक फ्रॉम बैक, पल वाले को भी बैक से। इसी तरह आपने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है और वापसी पे दूसरी जो रॉन्ग साइड होगी उसमें भी इसी तरह आपने बनाना है ये वाला बॉर्डर। ये पूरी इसी तरह रो बना ली है। अब नेक्स्ट रो मेरी लास्ट रो होगी, बॉर्डर इतना इनफ होगा। उल्टी साइड रॉन्ग साइड से भी आपने उसी तरह जो पर्ल है उल्टा है वो भी बैक से ऐसे बनाना है। ये जो सीधा है वो भी ऐसे बैक से बनेगा। इसी तरह मैंने दोनों साइडों से बॉर्डर को इस तरह बना के इतना बना लिया है। ये देखिए मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब हम ये करेंगे कि मैं 16 स्टिच इधर से लूंगी, 16 ही इधर से लूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 यहाँ मैं मार्क कर लेती हूँ। एक इसी तरह मैं इधर इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 16 इसको भी मार्क कर लेती हूँ यहाँ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक। ये अब मैंने यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मैंने यहाँ मार्क करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 यहाँ, और इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 यहां मुझे मार्क करना है। एक दो तीन चार पांच छह सात, यस। अब मिडल में देखते कितने आगे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 त्रुटम 30, 31, 32, 34, 35, 35, 35 मिडल में रह गए हैं, ठीक है। 35 मिडल में मैं आपको लिख भी देती हूँ। ये 83 स्टिचेस थे, इसके मैंने यहाँ पर रखे 16 + 8 + 35, फिर इधर 8 हुए प्लस 16 दोनों साइडों से। इनको आप ऐड करोगे तो ये 83 ही हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने इस तरह कर लिया। अब ये है कि ये वाला पार्ट और इस पार्ट को मैं सेफ्टी पिन में डाल लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे बाद में बनाना है। यहाँ से मुझे पॉकेट बनाना शुरू करनी है। देखिए ये मैंने 16 जो है इसमें बना लिए। जब हम ये सारा बना के इधर आएंगे तो मैं एंड में इसको भी सेफ्टी पिन में बना लूँगी, क्योंकि मुझे ये मिडल पार्ट बनाना है। अब वूल यहाँ पे है तो आप इसको कट नहीं करें, उसकी जगह मैंने एक और बॉल ले लिया, न्यू बॉल में से मैंने वूल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने पहली सिलाई सारी सीधी बनानी है। यहाँ से हम इसको वूल को ऐड करेंगे। इतने करने के बाद मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 करने के कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब इसी तरह मैं ये पूरी सिलाई सीधी बना लूंगी, ठीक है, इस मार्क तक आ गई। अब ये जो 8 है एंड के, ये भी मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 8 बनाने के बाद इस मार्क को निकाल के और ये वाले मैं इस सेफ्टी पिन में बना लूँगी, क्योंकि ये मुझे बाद में बनाने हैं। अभी मुझे इनको नहीं बनाना, अभी मुझे मिडल में सिर्फ पॉकेट ही बनानी है, ठीक। इनको मैंने अब यहीं से हम वापस आ जाएंगे। अब आपने गौर से देखना है, मैंने ये करना है। अब यहाँ मैं ये करूँगी, पहले 2 एक उठाया, एक सीधा बनाऊँगी, फिर 1, 2, 3, 4 मैं केबल के उल्टे बनाऊंगी, फिर 1 मैं सीधा बनाऊंगी, फिर 1 मेरा उल्टा हो जाएगा,
अब यहां से मैं अभी इसको रख लेती हूं। अभी अब मैं यहां बनाऊंगी तीन सीधे, यहां से धागा आगे एक उल्टा, तीन सीधे धागा आगे एक उल्टा, तीन सीधे एक दो, तीन सीधे धागा आगे एक उल्टा, इस मार्क तक इसी तरह बनाऊंगी, इस मार्क तक तीन सीधे एक उल्टा, एक दो तीन सीधे, ठीक है ये मार्क। अब मैं क्या करूंगी, तीन सीधे के बाद एक उल्टा, धागा पीछे सीधा, धागा आगे एक दो तीन एंड चार, चार करने के बाद धागा पीछे और ये मेरे ऐसे सीधे, ठीक। अब नेक्स्ट सिलाई पे हम ये करेंगे, ये जो चार मैं कर रही हूँ उनकी मैं बनाने वाली हूँ। अभी दो सिलाइयाँ नेक्स्ट सिलाई पे करेंगे, अब फिर उसी तरह ये दोनों, ये फ्रंट सिलाई सारी सीधी जाएगी, ये सारा सीधा बनाऊंगी, मार्क निकाल देती हूँ और उल्टी सिलाई पे जैसे मैंने पहले बनाया उसी तरह हम बनाएंगे। अभी ये मैं सारी सीधी बना रही हूँ, बन गई। अब फिर उसी तरह जैसे मैंने पहले रिपीट की थी, आप ऐसा करोगे दो सीधे एक, वैसे उठा के एक सीधा, धागा आगे एक दो तीन चार, मैंने उल्टे किए, धागा पीछे एक सीधा, धागा आगे एक उल्टा, फिर तीन सीधे एक उल्टा, तीन एक दो तीन सीधे एक उल्टा, फिर वन टू थ्री नीट करूँगी वन। इसी तरह मैं यहाँ जा पाऊँगी, पीछे ये चार उल्टे होंगे जिस तरह ये मैंने बनाए। तीन पे आ गई हूँ, अब इस तरह एक उल्टा, फिर ये मैं सीधा, फिर एक दो तीन चार मेरे उल्टे, ये सीधा और एंड वाला भी इसी तरह बना लूँगी एंड पे, ठीक है। यानी कि ये जो आठ थे, दो चार छः आठ को मैं इस तरह बना रही हूँ, एक वैसे ही हैं वो, चार की मैं केबल बनाऊँगी, फिर एक सीधा और ये। अब मैं यहाँ से चार की केबल बनाऊंगी, यह मैंने उठाने के बाद सीधा वैसे बना लिया। इन चार को मैं पिक करूंगी, फ्रंट से दो को मैंने उठाया लीव किया और ये ऐसे करने के बाद इसको शिफ्ट करने और ये ऐसे मेरी केबल बन जाएगी। अब मेरा ये सीधा, ये दो सीधे हो गए, ओके। और सारी सिलाई मेरी सीधी, सिर्फ केबल, ये फ्रंट हमेशा ऑलवेज पूरी ही आपने नीट ही करनी है, सीधा ही बनाना है। इस तरह जब मैं यहाँ आऊँगी तो यहाँ भी केबल बनाऊँगी। अब हम एंड पे, यहाँ मैं केबल के लिए आ गई हूँ। पहले तो मैंने ये किया था कि मैंने फ्रंट से पिक किए थे, अब मैं इस दफ़ा बैक से पिक करूँगी, बैक से पिक करूँगी, ठीक। करने के बाद मैंने इसको लीव किया और फ्रंट से दोनों को ऐसे पकड़ के इधर ले आई। लाने के बाद मैं ऐसे और ये दोनों सीधे, ठीक। अब रॉन्ग साइड पे मुझे ये करना है उसी तरह, ये तो मैंने वैसे ही पिक कर लिया, एक सीधा बनाया, धागा आगे एक दो तीन चार, मैंने ये बनाए, धागा पीछे एक सीधा, धागा आगे उल्टा, फिर तीन सीधे एक उल्टा, वन टू थ्री सीधे एक उल्टा, वन टू थ्री सीधे एक उल्टा, अप टू यहाँ तक, ये दो चार छः आठ स्टिच तक ऐसे ही बनाने हैं, ये देखिए, ठीक है ना। एक दफ़ा केबल इधर बन गई और एक इधर बन गई, दोनों साइडों से ऊपर। अब मैंने अगली सिलाई सारी निट करनी, सीधी जानी है। ये तो हम ऑलवेज फ्रंट साइड से सारी सिलाई इसी तरह सीधी बननी है, ये इसी तरह, ठीक ऐसे।
ये पूरी मैंने निट कर ली, सीधी बना ली। अब रॉन्ग साइड पे उसी तरह एक मैंने वैसे उठाया, ये सीधा बना, केबल के चार उल्टे, एक दो तीन चार उल्टे, धागा पीछे सीधा, ठीक। उसके बाद एक सीधा तीन, सॉरी एक उल्टा तीन सीधे, उल्टा तीन सीधे करते करते इसी तरह ये केबल, जैसे ये पैटर्न है उस हिसाब से हम बनाएंगे हम। अब देखो, अब मैं अगली दो सिलाइयाँ भी इसी तरह, ये सारी सीधी होगी और यहाँ जो सीधा वो सीधा, जो उल्टा उल्टा बनाने पैटर्न के हिसाब को फॉलो, पैटर्न को फॉलो करते हुए इसी तरह बनाऊंगी। और उसके बाद फिर हम केबल को एक दफ़ा दोबारा ट्विस्ट करेंगे। मैंने दो सिलाई और बना ली, यानी कि एक केबल बनाने के बाद उसकी चार सिलाइयाँ बनी हैं। और उसके बाद फिर हम, यानी कि केबल, फिर एक दो तीन पाँच छठी, हर छठी सिलाई के स्टार्ट में हमने केबल को दोबारा बनाना है। और मैंने ये देखें, ये केबल के चार है, उसके इर्द गिर्द एक सीधा और एक ऐसे यहाँ पे दोनों साइडों से सीधा सीधा बनाया, तो बाकी दरमियान में ये ऐसे पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अब मैंने केबल को दोबारा से करना है, ये सीधा चार को मैं इधर पिक करूँगी, इधर मैं फ्रंट से थोड़ा सा इसको पुश करके फ्रंट से करने के बाद इसको बैक से उठाऊंगी और ऐसे, और चारों में सीधे बना लूंगी। और बाकी भी पूरी सिलाई ही मुझे सीधी, यानी कि नीट ही करनी है पूरी रो, और एंड पे भी मैं एक केबल बनाऊंगी। यहाँ फिर मुझे केबल बनानी है, इस दफा केबल के चार मैंने बैक से दो, बैक से दो उठाऊंगी, ठीक। आने के बाद, लीव करने के बाद फ्रंट से ऐसे करके ऐसे तो चारों बना लूंगी। थ्री एंड फोर, और ये सीधा और ये भी सीधा, ठीक। ये इस तरह देखो, एक एक दफा यहाँ केबल बन गई, ठीक। अब रॉन्ग साइड से उसी तरह, ये तो सीधे, इस साइड से भी सीधे हैं, इधर भी सीधे बनते हैं, ये यहाँ सीधा बनता है, इस साइड से उल्टा बनता है ना, इसी तरह पैटर्न को फॉलो करके हुए ये मैंने उल्टी सिलाई उठा लेनी है। ये सीधा, एक दो तीन चार, एक सीधा एक उल्टा, फिर उसी तरह तीन सीधे एक उल्टा, ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है, और यहाँ आके केबल के चार उल्टे होंगे जी। ये देखे, मैंने इतना बना लिया कि देखो, वन टू थ्री टाइम ये मेरी केबल को मैंने बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक नियरली टू इंच बना है। ये देखे, अगर मैं यहाँ से आपको करती हूँ तो ये नियरली टू इंच तक ये इतना बन गया है, ठीक है। यहाँ से पॉकेट को जो है वो इधर से ऐसे कटिंग करनी शुरू करनी है, तो मैं हर केबल के बाद इस स्टिच के साथ एक एक कट करूँगी, यहाँ कट करूँगी और इधर कट करूँगी एक। जैसे आपको पता है, हर छठी सिलाई के स्टार्ट में केबल हम ट्विस्ट करते हैं, और सीधी सिलाई ऑलवेज ऐसे नीट ही करते हैं, फ्रंट साइड से ऑलवेज नीट होता है, ठीक है। ये मैं नीट करती जा रही हूँ। अब जब यहाँ पे आऊँगी मैं, सात स्टिच के बाद, एक दो चार छः सात स्टिच के बाद मैं इसको सीधा करूँगी, करने के बाद इनको निट टुगेदर कर लूँगी, इनको ऐसे इकट्ठा बना लूँगी। फिर बाकी सारी मैं सीधा बनाते हुए जब मैं यहाँ आऊँगी तो इनको भी मैं निट टुगेदर कर लूँगी जी। ये देखिए, अब मैं यहाँ से भी इसको बनाने के बाद इन दो को ऐसे इकट्ठा बना लूँगी, और मेरा दोनों तरफ से एक एक स्टिच कम हो गया। और रॉन्ग साइड तो वैसे ही बनेगी जैसे पैटर्न को फॉलो करते हुए, मसलन जैसे ये चार सीधे हैं तो इधर उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना, ये एक सीधा है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये तो दोनों साइड से ही सीधे सीधे बनते हैं। इस तरह ही फॉलो करते हुए मैं पूरी बैक ये वाली बना लेती हूँ। ये मैंने सारी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये बना ली है सिलाई। अब अगली सिलाई फिर हम उसी तरह सीधा बनाएंगे, लेकिन एक स्टिच और कम करेंगे। अभी केबल के दो,
अगली दो सिलाइयों के बाद केबल दोबारा बनेगी। ठीक है, अभी मैं इसको वैसे ही बना लेती हूँ और ये सीधा। अब इसके साथ मैं इसको इनको ऐसे करने के बाद सीधा एक और कट करूँगी और बाकी बनाते हुए फिर मैं इधर भी एक काम करूँगी और बैक सिलाई उसी तरह पैटर्न को लेके, जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, जो उल्टा है वो उल्टा बनेगा, इसी तरह मैं बनाती हूँ जी। ये देखें हमने बना ली। अब हमने यहाँ से केबल भी बनानी है और साथ में यहाँ पे फिर कम भी होगा। इसी तरह आप पॉकेट को थोड़ा सा इसी तरह फ्रंट से मैंने लिए ऐसे, ये दो तीन एंड चार, ठीक, ये सीधा। फिर इसको करने के बाद अब मेरे यहाँ से तीन कम हो चुके हैं। ठीक है ना, इधर को ऐसे ऐसे पॉकेट थोड़ी सी अंदर को टर्न हो रही है। इसी तरह मैं यहाँ करूँगी और थोड़ा सा थोड़ी सी बिग साइज देखती हूँ, इतनी तो होनी चाहिए। चले देखते हैं कितनी बने, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें मैंने इतनी पॉकेट बना ली है। अगर आप देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइम ये केबल हुई है, बनी है। और अगर यहाँ से हम काउंट करते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 ये हुई और है। स्टिच कितने कम हुए हैं, स्टिच मेरे ख्याल में यहाँ से यहाँ तक आप अगर देखते हो कितने कम हुए हैं। ये तो है स्टिच और ये बंद हुआ है, यहाँ तक स्टिच बंद हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्टिच इधर बंद हुए हैं और 12 ही 12 स्टिचेस दोनों साइडों पे बंद हुए हैं। और ये मेरे ख्याल में पॉकेट इतनी इनफ होगी। ठीक है, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में देख लेंगे। अब मैंने यहाँ से इसको एक बिग, ये मेरे पास बिग पिन है, उसमें इसको सारों को करना है, बंद नहीं मुझे करना है क्योंकि इसी के साथ फिर मुझे स्वेटर को आगे लेके चलना है। इसको मैं इस तरह बना लूँ, डक कर लूँगी और करने के बाद इसको मैं ऐसे बंद कर देती हूँ, ये ऐसे। ठीक, मेरी हो गई। अगर आपके पास ऐसी पिन नहीं है तो आप किसी भी धागे में किसी और चीज़ में भी बना सकते हो। अब मैंने यहाँ से कितने स्टिच लिए थे मेरी नोटबुक का है? अब मैंने यहाँ पे 16 स्टिच इधर डाले छोड़े थे और 16 ही इधर सोचे थे। और ये मुझे ये जो या 8 इसके ये केबल के दोनों साइडों पर 35, अब मुझे 35 8 और 8 इनको कितने हैं 16 17 18 19 20 21 2, अब 51 स्टिचेस जो मैंने ना ये वाले मुझे इधर से बनाने उठाने हैं। सेपरेट डाल लो, सी लो या यहीं से पिक कर लो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। करते इसी तरह उठा के देखते हैं बजाय सेपरेट बनाने के। ये जो बॉर्डर है ना, ये देखो, ये इसका एंड का एक स्टिच, दो, फिर ये सीधे वाला यहाँ से 3 4 3 4 5 6, इसी में से ना एक सीधे का एक 7, इसी तरह मैं उठाने लग गई हूँ 8 9 10, ये मैं बैक साइड से एक सीधा एक उल्टा और ऐसे मैं इसी में ऐसे उठाने लग गई हूँ 10 11 12 13 43 44 45 46 47 48 49 ये 50 और एंड वाला एक, ये एंड का ऐसे उठा लेती हूँ, ये 50, ये पूरे मेरे 51 हो गए हैं। अब चले मैं इसको काउंट करती हूँ। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मीन 50 और एक ये 51, 51. हर बॉर्डर पे मैंने उल्टा से उठाया तो आराम से ये मेरे आगे, ठीक ये ऐसे. अब मैं ये जो 16 है वो भी इसी में डाल इसी पिन में से निकाल के इसमें मैं इसे बना लेती हूँ ऐसे. ठीक ये हो गया. अब मैं जब यहाँ पे आऊंगी तो ये वाले भी इसके साथ ऐड कर लूंगी. ठीक और ये हमारी पॉकेट होगी और नीचे से ऐसे हम अंदर से अब इकट्ठा बनाना शुरू कर देंगे ऐसे देखें पॉकेट को. अब मैंने अगर आपको ये मुश्किल लगते हैं उठाने तो आप 51 स्टिच सिलाई में डालिएगा और उसको ये दोनों उसमें ऐड करके इकट्ठा बनाना शुरू कर दें और बाद में यहाँ सिल जाएगा. लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं. अब इसके साथ मुझे दूसरा कलर लगाना है ये वाला. ये आपका कोई भी कलर कम्बिनेशन होगा ठीक है लेकिन पहली सिलाई हमने सारी सीधी ही बनानी है इस डिज़ाइन में क्योंकि मैंने अब ये वाला पैटर्न डालना है. ठीक है अब इस लेकिन इस इसमें फर्स्ट जो फ्रंट साइड होती है सीधी वो ऑलवेज ऐसे सीधी सीधी निट निट करनी है ये ऐसे. उसके बाद हमने इसके साथ भी इनको ऐसे बनाना शुरू कर देना है ऐसे. देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया. अब इसको हम पिन से निकाल लेंगे और इस सुई में ऐसे ये और इसको भी यहाँ से निट करना शुरू कर देंगे. और एक दफ़ा आप दोबारा काउंट कर लीजिएगा कि ये 83 स्टिच होने चाहिए. ठीक है ना क्या. अब रॉन्ग साइड से हमने ये करना है उसी तरह तीन सीधे एक उल्टा तीन सीधे एक उल्टा करके बनाना है. पहला मैं वैसे ही उठा लेती हूँ डोंट वरी. एक दो तीन सीधे धागा के एक उल्टा तीन सीधे एक उल्टा थ्री निट वन पर्ल थ्री निट. इसी तरह ये पूरी सिलाई मुझे रो जो है वो कंप्लीट करनी है. ये मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है. अब अगली रो मैंने ब्लू की बनानी है. ये ब्लू से पूरी रो में ऐसे इसको सीधी रो ऑलवेज फ्रंट साइड से सारी रो सीधी स्लाइड बनानी होती है यानी कि सारा निट ही करना होता है ये. अब रॉन्ग साइड पे हमने उसी तरह तीन सीधे एक उल्टा तीन एक दो तीन सीधे एक उल्टा तीन सीधे एक उल्टा. इसी तरह ये पूरी रो भी कंप्लीट करनी है तीन सीधे और एक उल्टा. ये देखिए पूरी सिलाई मैंने बना ली है. अब अगली सिलाई में थर्ड ये दोबारा मुझे लाइट कलर का मैंने धागा यूज़ कर लिया है और उसी से हम इसको मैं फिर ऐसे निट करती जाऊंगी और वापसी पे तीन सीधे एक उल्टा बनाते बनाते इसी तरह मैं इसको बनाना शुरू कर दूँगी. जी ये देखें मैंने ऐसे ये बना लिया है और इन दोनों की लेंथ अब सेम हो चुकी है. ये भी 21 ऐसे 1 2 3 4 तक था. ये भी इनकी मैं आपको बता देती हूँ इनकी पॉकेट की लेंथ कितनी थी. यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो ये 1/2-4 इंच की पॉकेट है ठीक है. और इधर भी तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2-4 हो चुका है. अब मैंने ये मिडल से पॉकेट के इनके साथ ऐसे ज्वाइन कर लेना है ऐसे. अब मिडल के इसके लिए मैंने देखा था ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26, 26 और ये एक 27. इसी तरह मैंने ये मिडिल के 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27 ये मैंने मार्क कर लिए हैं. ये तो मैं साथ ही बनाऊंगी, जब यहाँ मैं आऊंगी तो इन दोनों को मैं इकट्ठे बना लूंगी, बनाना शुरू कर दूंगी. ये देखिए, मैं ये जैसा कि आपको पता है कि सीधी सिलाई ऑलवेज ऐसे निठी करते हैं, सीधे सीधे बनाते, इसमें मार्क में आ गई हूँ, ठीक है ना. अब मैंने मार्क को देना है निकाल. अब मैंने इनको भी एक सिलाई में बना लिया है. अब मैं यहाँ से इन दोनों को, ओहो, इन दोनों को ऐसे एक कर करके बनाना शुरू कर दूंगी, इकट्ठा बनाना शुरू कर दूंगी. आपको अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप ये स्टिच बंद कर लें और इसी को कैरी ऑन कर लें और ये बाद में सिलाई हो जाएंगे. मैंने एक इधर से और एक इधर से लेके दोनों को ऐसे सीधा इकट्ठा ही निट कर लेना है, ठीक. इस तरह एक ये और एक ये, दोनों को ऐसे साथ साथ में निट करती जाऊंगी ऐसे ऐसे. ये एक और ये एक, इसी तरह ये सारे मैं निट कर लेती हूँ, ऐसे बनाती चली जाऊंगी. सारे ऐसे बंद करते यहाँ आ गई हूँ. यहाँ मेरे ये एक और एक इकट्ठा, एक एंड एक, दो दो रह गए और बाकी रेस्ट ऑफ जो मुझे वैसे ही ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक. इसको मैंने निकाल दिया और ये मैं वैसे ही सीधा बनाना शुरू कर दूंगी. ऐसे कि ये इसकी पॉकेट ऐसे साथ ही बन गई है, ये देखिए. अब मैं ऐसे सारा इसको सीधा बनाती है. देखिए मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है. और नेक्स्ट मैंने वही तीन सीधे एक उल्टा, तीन सीधे एक उल्टा करके बनाना है और फिर इसी तरह इसको कैरी ऑन करना है. ये मेरे वहाँ एक दो तीन सीधे, धागा आगे एक उल्टा, धागा पीछे एक दो तीन सीधे, धागा आगे एक उल्टा. इसी तरह मैं ये करते हुए सारे बनाते चली जाऊंगी. जी ये देखें, मैंने इसी तरह पैटर्न को फॉलो करते हुए इतना बना लिया यहाँ तक. इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई है अब हम अभी देख लेते हैं. यहाँ से अगर मैं देखती हूँ, इधर से लेके यहाँ तक ये 11 इंच, ठीक. ये देखिए 11 इंच इसकी टोटल लेंथ हो चुकी है. इसी तरह मैंने बैक साइड बना ली है. उसमें मैंने ये किया, ओनली 83 स्टिच बनाने के बाद सेम उसी तरह तीन ही साइड से 1, 1, 3, 1, 3, 1 करते करते एंड पे भी तीन, दोनों साइडों पे तीन तीन रखते हुए ये भी 11 इंच की ये मैंने फ्रंट और बैक ऐसे दो मेरे बन गए ऐसे, ठीक. ये तो दो मेरे फ्रंट और बैक हो गए. बाजू का ये है, मैंने एक बना लिया है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं और दूसरा मैं आप लोगों के साथ शुरू करूंगी. ये मैंने 41 स्टिच डालने के बाद मैंने थोड़ा सा, यानी कि थर्ड टाइम जब मैं ग्रे पे पहुंची तो मैंने उसको स्टिच को दोनों साइडों से बढ़ाना शुरू कर दिया और एवरी सिक्स सिलाई पे मैं इसको बढ़ाती चली गई यहाँ तक. इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, वही जैसे मैंने आपको सिखाया वो. और इसकी टोटल लेंथ है 13 इंच इसकी टोटल. मैंने ये किया है 41 स्टिचेस बनाने के बाद इसको थोड़ा सा इसका बॉर्डर बना लिया है. बॉर्डर कितना है यहाँ पे, 1.5 इंच का बॉर्डर है, ओके. उसके बाद हमने इसके साथ ग्रे कलर के धागे को अप्लाई करना है. जैसा कि आपको पता है कि डिज़ाइन की पहली सिलाई जो सीधी ही होती है, सारा मैं निट करके बनाती हूँ, ठीक है. ये मैं सारा ऐसे सीधी सिलाई बनाऊंगी, 4, 5, 6 ऐसे करके मैं सीधी बनाती हूँ चली. रॉन्ग साइड पे मैंने इस तरह शुरू करना है कि पहले मैं दो सीधे बनाऊंगी, दो सीधे
ताकि इसको बैलेंस हो सके, दो सीधे एक उल्टा, फिर तीन सीधे, एक दो तीन सीधे एक उल्टा, एक दो तीन सीधे एक उल्टा, इसी तरह तीन तीन सीधे एक उल्टा बनाऊंगी और एंड पे भी दो सीधे रह जाएंगे, एक उल्टा और दो सीधे, दोनों साइडों से ये बैलेंस हो गया। ओके, ये धागे को ऐसे दो ही सीधे इधर थे और दो ही इधर हो गए, यही मैं चाह रही थी। और अब फिर ब्लू कलर की सिलाई तो पूरी अब इस दफ़ा सीधी ही जाएगी सारी, उल्टी सिलाई पे फिर उसी तरह पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाएंगे। ये यहाँ से मैं सीधा बनाना शुरू कर दूंगी। ये देखें मैंने थोड़ी सी सिलाइयाँ इसकी बना ली, यानी वन टू ग्रे हो चुका है। और दोनों तरफ आप देखें दो ये और एक सीधा, दो ये, इसी तरह इसको मैंने बैलेंस बना, दोनों साइडों से बैलेंस लेके चलना है। अब ग्रे सिलाई के स्टार्ट में हम ऐसा करेंगे, थर्ड ग्रे सिलाई के स्टार्ट में हम एक एक स्टिच बढ़ा लेंगे, ऐसे धागा आगे एक उल्टा, बाकी सारी सिलाई मैं सीधी बनाते हुए जब एंड पे आऊंगी तो एंड पे भी यहाँ भी एक स्टिच बढ़ा लूंगी। ये देखें ये आखिरी स्टिच पे भी मैं एक के अब दो बना लूंगी, तो अब दोनों साइडों पे मेरा एक एक स्टिच बढ़ चुका है, ठीक है ना। यहाँ यहाँ एक बढ़ गया, इधर एक बढ़, इसी तरह मैं ये एक सिलाई थी, अब एक दो तीन चार पाँच, जब छठी सिलाई होगी तो फिर एक एक बढ़ जाएगा। इसी तरह हम इसको बढ़ाते बढ़ाते मैंने ऐसे बना लेना है। बैलेंस दोनों साइडों से करने का मकसद ये था कि एक तो ये डिज़ाइन फिर इक्वल जाता है ना, और एंड पे तीन इस साइड पे हैं और तीन ही इस साइड पे हैं, इस तरह ये दोनों डिज़ाइन बैलेंस होके चला है। आप इसी तरह इसको स्लीव्स को बनाते और बढ़ाते चले जाएं। जी ये मैंने स्लीव्स कंप्लीट कर ली है, एवरी सिक्स लाई के स्टार्ट में इसी तरह बढ़ाती गई, और जैसे जैसे ये मेरा तीन और एक का पैटर्न भी वो भी इसको साथ में बढ़ाती चली गई। और यहाँ अब ये इसकी टोटल लेंथ, जैसा कि मुझे 13 इंच चाहिए थी, तो यहाँ से अगर मैं इसको करती हूँ तो ये 13 इंच हो चुकी है। ठीक, हमने जैसे 41 स्टिचेस से ये शुरू किया था और बढ़ाते, अब देखते हैं कितने हो चुके हैं। अब यह है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकत्ती बत्ती तैंतीस चौंतीस पैंतीस, पैंतीस टाइम टू सत्तर, इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर, ये 75 हो चुकी है टोटल, ठीक है ना, दोनों तरफ से बढ़ते बढ़ते। और इतनी ही मुझे इसकी लेंथ चाहिए थी। अब ये है कि मैंने इस एक सिलाई में जैसे ये आपको दिख, ये फ्रंट बनाना सिखाया था, फ्रंट इसमें कर लिया, फिर उसके साथ मैंने एक स्लीव्स, फिर उसकी बैक साइड और ये दूसरा स्लीव्स, ये सारा मैंने एक सिलाई में ऐसे बना लिया है, उसको डाल लिया है, ठीक, ये ऐसे। अब ये स्लीव्स होगा, ये फ्रंट, और इधर से भी ये दूसरी स्लीव्स। अब यहाँ से ये इकट्ठा चलेगा, लेकिन मिडल पार्ट से हमने बटन पट्टी भी बनानी है, क्योंकि आप कट्ठा ऐसे बनाओगे तो वो मुश्किल हो जाएगा ना आपको, मिडल से आपको बटन पट्टी। अब मैं ये करूँगी कि इस मिडल के हाफ में इस मैं करूँगी, यहाँ मिडल से स्टार्ट करती हूँ बनाना। ये फ्रंट पार्ट के ये देखें, जैसे मैंने बताया था ना 83 स्टिच है, तो उसके में से मैंने 38 इधर कर लिए, ये मिडल के 7 मेरे बटन पट्टी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बटन पट्टी के होंगे, और ये 38 इस साइड के हैं। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक इस सिलाई में शिफ्ट कर लेना है, इस तरह मैं
इस उस सिलाई में ऐसे शिफ्ट कर रही हूँ। और ये बटन पट्टी के भी जो साथ हैं अभी मैं इस साइड पे राइट साइड पे ही शिफ्ट कर लेती हूँ, ठीक। ये 7, ठीक। और ये मैंने मार्क निकाल दिया। हमने यहाँ से बनाना शुरू कर देना है और ये सारे फिर साथ में ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। अभी तो मैं यहाँ से ऐसे करूँगी, धागा लूँगी, मैं 7 को एड 7 स्टिचेस यहाँ बनाऊंगी, क्योंकि ये 7 है ना, तो अंदर पट्टी के भी तो 7 होंगे ना, तो यहाँ मुझे 7 के मैंने इसमें स्टिच बना लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 6 and 7, ठीक। अब मैं सारी पहली सारी सिलाई इनको सीधा सीधा बनाना शुरू कर देती हूँ ऐसे। अभी ये सारी सिलाई यहाँ से मैं दो तीन चार पाँच छे ये 7 और इसी के साथ मैंने यहां से फिर ये पूरी सिलाई यहां से करूंगी, तो साथ ही ये मैं स्लीव्स को जोड़ लूंगी, फिर बैक साइड पे साथ ही चलेगी पूरी सीधी सिलाई बनाती है। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है, उसमें ये कि ये देख ये सारे ये आपस में सारे ज्वाइन हो गए, ये स्लीव्स भी बैक भी और यहाँ तक। यहाँ मैंने 7 पट्टी के जो ऐसे जाएंगे सेपरेट ऐड किए थे, जो बाद में मैं सी लूँगी। अब वापस सिलाई पर हमने इसी तरह पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाना है। यहाँ आप देखें ये तो साइड का हो गया, ये सीधा है जो इधर उल्टा हो जाएगा, फिर 3 सीधे 1 उल्टा ऐसे करके बनाना शुरू कर दूंगी। अब हम इस जॉइंट पे आएंगे तो यहाँ ये देखें सीधा ये है और इसका सीधा ये है, ये सीधा है ये और ये सीधा स्टिच आ रहा है और उनके इनके बिटवीन आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टिच आ रहे हैं। अब 6 स्टिच में हम 1 तो साइड का छोड़ेंगे और 4 की केबल बनाएंगे। ये तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बनाती हूँ, मैं बना रही हूँ 3 सीधे 1 उल्टे बनाते हुए। मैं ये मैंने जो जॉइंट है उसके पास आ गई हूँ, यहाँ मैंने 1 उल्टा बना लिया। अब ये देखो मेरे पास ये जो 3 इसके और 3 इनको, ये 6 को मैं 3 और 3 6 को ये करूँगी कि एक मैं सीधा बनाऊँगी जो कि दूसरी साइड पर उल्टा हो जाएगा, धागा आगे 4 मैं सीधे बनाऊंगी, 1, 2, 3 and 4 मैंने सीधे बनाए, फिर धागा पीछे करके 1 सीधा किया और फिर उसी तरह 1 उल्टा 3 सीधे, हर जॉइंट को मैंने इसी तरह बनाना है जी। ये देखिए मैं सारी रॉन्ग सिलाई इसी तरह बनाते हुए बनाते पैटर्न के हिसाब से। यहाँ फ्रंट ये देखिए यहाँ पट्टी है ना फ्रंट हाफ, ये यहाँ बनाने के बाद दोबारा सीधी सिलाई बनाते हुए आ गई हूँ। अब मैं पहले जोड़ पे आई हूँ, ये जो कि एक स्लीव्स और फ्रंट का आपस में ये जोड़ है, ये फ्रंट है और ये स्लीव है, इसका ये जोड़ पे आ गई हूँ। इस पे अब हमने उसके पास आ गई हूँ, अभी तो खैर मैंने अब मैंने ग्रे कलर का धागा नहीं लगाना, ओनली सिर्फ ब्लू लगाना है। तो ये मैं सीधा बनाते हुए, ये तो मेरे सीधे स्टिच जैसा कि पैटर्न के हिसाब से, हाँ अब यहाँ आ गई हूँ, ठीक। यहाँ से मुझे कटिंग भी करनी है। अब कटिंग का ये है कि मैं ये जो सीधा सीधा स्टिच आ रहा है ना ये वाला, इसके साथ मैं कम करती चली जाऊंगी, दरमियान में केबल होगा, केबल की दोनों साइडों पे एक एक जैसे बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा सीधा स्टिच था तो मैंने सीधे के साथ एक और स्टिच को लेके इकट्ठा बना लिया, तो यहाँ मेरा एक स्टिच बंद हो गया, ठीक। अब धागा आगे ये उल्टा, अभी ये जो 4 स्टिच है इनकी मैं केबल बनाऊंगी। आपने इन चारों को इधर शिफ्ट किया, पिक किया और ऐसे इसको ट्विस्ट करने के बाद बना लिया, के बाद मैंने ये धागा उल्टा किया,
ठीक। अब इस सीधे स्टिच के साथ मुझे एक बंद करना है, क्योंकि मुझे दोनों साइडों से एक एक बंद करना है, केवल की दोनों एक कम हो गया, बाकी मैं यहाँ से सारा सीधा बनाते हुए जब इस जोड़ पे आऊंगी, ये स्लीव्स और बैक के जोड़ पे आऊंगी, उस तरह उसमें भी मैं ऐसे करूंगी, इन दोनों को बंद कर लूंगी, इन दोनों को यानी कि एक कर लूंगी, इन दोनों को एक कर लूंगी, और छह में एक उल्टा और चार की केबल बनाऊंगी। मैं इस ज्वाइंट के पास आने वाली हूँ, इसमें ये अभी ये तो सीधा बनेंगे, ये वन एंड टू मोर सीधे। अब इस सीधे के साथ मुझे इसको बंद करना है, मैं इन दोनों को नीट टूगेदर कर लूंगी, ये कम हो गया। अब मेरे पास धागा आगे एक उल्टा, उल्टा बनाने के बाद मैंने चार की केबल बनानी है, दो दो तीन चार केबल ऐसे। तीन एंड चार की केबल हो गई, धागा आगे एक उल्टा, ओके। और ये जो है ना, इसके साथ मैं इनको सीधा करने के बाद एक नीट टुगेदर कर लूंगी। इस तरह मुझे दोनों साइडों से केबल के एक एक कम हो गए। इसी तरह मैं ये जो दो ज्वाइंट हैं, ये और ये, इनको भी इसी तरह बना के और उल्टी सिलाई पैटर्न के हिसाब से जो सीधे सीधा जो उल्टा उल्टा बनाने के बाद फिर हम वापस जब फ्रंट पे आएंगे तो फिर यहाँ से एक एक बंद करेंगे, रॉन्ग साइड से कोई भी बंद नहीं होना। मैं सारी रॉन्ग साइड से सिलाई पैटर्न के हिसाब से मैंने कंप्लीट कर ली। अब फ्रंट पे यहाँ से ये देखे पट्टी के थे, मैं दोबारा सीधा बनाते हुए यहाँ पे जॉइंट के पास आ गई हूँ, यहाँ से फिर मुझे एक और बंद करना है, एक और कम करना है। हर जॉइंट पे मुझे केबल की दोनों साइडों से, ये देखे ये केबल है चार की, ये उल्टा है, और यहाँ मुझे फिर इससे पहले सीधे के साथ एक कम कर लेना है। अब एक धागा ये उल्टा, फिर केबल के चार, इस दफ़ा केबल नहीं, केबल इस हर चौथी सिलाई पे ट्विस्ट होगी। अभी केबल की ये केबल बनाई थी, फिर एक दो, फिर अब तीन, जब नेक्स्ट टाइम मैं फ्रंट पे आऊँगी तो तब केबल हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है। इसको उल्टा और इस सीधे के साथ फिर मैं सीधा इसको नीट टुगेदर कर लूँगी। इसी तरह मेरा केबल की दोनों साइडों पर अब एक एक और कम हो गया, ये देखें ठीक। इसी तरह हर जॉइंट पे मैं इसी तरह बंद करके वापसी पे जब दोबारा यहाँ पे आऊँगी तो फिर हम केबल भी ट्विस्ट करेंगे और एक एक बंद भी करेंगे। ये देखें अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है, ये फ्रंट है, ये एक स्लीव है और एक ये स्लीव है ना। इसी तरह अब यहाँ पे हमने, मैं यहाँ पे आ गई हूँ दोबारा, ये मिडल की पट्टी से बनाते बनाते सीधा यहाँ मुझे एक एक बंद भी करना है और साथ में इस दफा केबल भी ट्विस्ट होगी। केबल हर फोर सिलाई में बनेगी। ये मैंने इसको किया, अब ये दो को नीट टुगेदर कर लिया, ओके ये देखिए ऐसे, और फिर अब ये केबल बनेगी। इसी तरह आप इसको एवरी जॉइंट में केबल के दोनों साइडों से एक एक कम करते जाएं और साथ में हर चौथी सिलाई पे केबल बनाते चले जाएं और फिर देखते हैं कितना बनता है। तो हमने फिर नेक की, नेक के लिए कटिंग करनी है, केबल मैं ऐसे करूंगी, ऐसे ट्विस्ट, ये ऐसे चार की केबल है, ये हर चौथी सिलाई पे बनेगी ऐसे, ये ऐसे, अब उल्टा, फिर इसके साथ ये एक, बस इसी तरह आप ये सब जॉइंट पे इसी तरह केबल के इर्द गिर्द देखे कम करते चले जाएं और बाकी बनाते चले जाएं। जी ये देखें मैं हर दफ़ा उसी तरह एक एक इस साइड पे और एक इस साइड पे इन बिटवीन ये केबल कम करते करते यहाँ तक बना लिया है। ये मेरे यहाँ से कितने, यहाँ से अगर मैं ये वाला स्टिच चला रहा ना तो ये वाले इतने कितने मैंने ये देखें कम कर लिए, यहाँ चार, आठ, बारह, सोलह और बीस, वन टू थ्री फोर, ये ट्वेंटी स्टिचेस एवरी जॉइंट पे फ्रंट बैक हर जगह पे ऐसे ये कम हो चुकी हैं ट्वेंटी स्टिच। और ये ऐसे जो मैंने ऐसे बटन पट्टी यहाँ से मैं सीलूंगी और ये ऐसे बटन पट्टी भी बनेगी वन टू ये सास। और मैंने ये किया था यहाँ से
ये ग्रे था ना, ग्रे के बाद जब हमने बिलू धागा लगाया था 1 2 3 4 5 के बाद मैंने एक बटन होल बना लिया, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद मैंने एक बटन होल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद एक और बटन होल बन गया, 3 बटन होल भी बन गए हैं और ये इतना हो चुका है। मुझे यहाँ से ये भी बंद करने हैं और ये देखें अब इनफ यहाँ से हो रहा है, शोल्डर खुला। अगर मैं इसी तरह एक एक लेके गई तो इसने यहाँ ऐसे इधर को जाना है और यहाँ से शोल्डर पॉइंटी होगा। मैं चाह रही हूँ अब ये इसकी ये जो स्लीव्स है उसमें ये शोल्डर फॉर्म में इस तरह आ जाए, इस तरह। उसके लिए मैं करूंगी कि पहले जो मैं एक काम करती थी अब हर जॉइंट पे मैं 2-2 बंद करना शुरू कर दूंगी तो वो तेजी से ऐसे को टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ में मुझे ये इसके बटन इसके बंद भी करनी है स्टिच। अभी तो मैं ये करूंगी कि पहले मैं 5 स्टिच बंद कर लेती हूँ, यहां मैं 5 स्टिच इधर से बंद कर लेती हूँ, 1 2 3 4 और 5। बाकी मैं ये सीधा सीधा बनाते हुए यहाँ जॉइंट पे फिर मैंने 2 बंद करनी है। ये मैं क्योंकि आपको पता है फ्रंट साइड ऑलवेज निट होती है, सीधी ही बनती है। मैं देख लें यहाँ मैं इतना बना लिया, ठीक, सीधा सीधा बनाते हुए। अब मुझे पहले मैं ये 2 को नीट टुगेदर करती थी ना, अब मुझे 3 को एक बना लेना है, 2 कट्ठे यहाँ बंद कर देने। ये तो मैं ऐसे सीधा ही बनाऊंगी। अब मैं मिडल स्टिच को उठा के पहले ऐसे बंद कर लूंगी, कर लिया, अब फिर मैं इसको नीट टुगेदर कर दूंगी। इस तरह ये मेरे यहाँ पे 2 स्टिच बंद हो जाएंगे, धागा आगे। अब इस दफा केबल भी बननी है, 4 को पिक किया, फ्रंट से 2 लिए और इनको ऐसे एक दूसरे के साथ शिफ्ट किया और केबल बना ली। ये मेरे ऐसे ही होंगे, अब फिर आगे मैंने 2 को इकट्ठे बंद करना है। मैं ऐसा करूंगी, इसको मैं ऐसे पिक करूंगी, ये मैं उसी तरह उठा के इसको एक बंद करूंगी, करने के बाद इन 2 को सॉरी धागा पीछे करके इन 2 को इकट्ठे बना लूंगी, तो इधर साइड पे भी मेरे 2 बंद हो गए। इसी तरह मैं हर जॉइंट पे, अभी तो मैंने यहाँ बंद किए, इसी तरह मैं इस पे हर 4 जॉइंट पे बंद करके ये पूरा कंप्लीट करूंगी और वापसी पे फिर इधर से भी हम 5 बंद करेंगे। नेक्स्ट रो पे हम ये करेंगे कि पहले 5 हम बंद करेंगे, ओहो, इन 5 को हम पहलों को बंद कर लेंगे, 1 2 3 4 4 एंड 5। बाकी पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। अब हम यहां से 3 बंद करेंगे, मैंने पूरी रो कंप्लीट करने के बाद। अब यहाँ पहले मैंने 5 बंद किए, अब मैं 1 2 2 एंड 3 3 बंद करूँगी, ठीक, ऐसे ही। यहाँ मैंने ये देखे 3 बंद कर लिए हैं, पहले 5 बंद कर दिए, अब 3 बंद करने के बाद मैं सीधा बनाते हुए जब मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने ये किया था कि इसको उठा के इसको पहले बंद कर दिया, तो यहाँ मुझे लगा ये थोड़ा सा मोटा सा और होल ज़्यादा गैप आ रहा है। अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैंने इसको सीधा करने के बाद इनको ऐसे बंद करती हूँ पहले, ठीक, फिर मैं इन 2 को इकट्ठे बनाती हूँ। इस तरह मेरे लगता है कि इस तरह थोड़ा सा बेटर फॉर्म में आएगा, ओके। और ये तो वैसे ही बनेंगे, इस दफा केबल नहीं बनेगी, 1 2 3 4 4 के बाद जब मैं ये ऐसे करूँगी, ये ऐसे ही ठीक है, ये मैं जब इसको ऐसे बंद करूँगी तो
तो फिर इन दोनों को इकट्ठे बना लूँगी इस तरह। ये मेरे दोनों साइडों से एक एक बंद, दो दो बंद हो गए इकट्ठे। इसी तरह मैं बाकी जॉइंट्स पे भी बंद करके वापसी पे इधर से भी तीन बंद कर लूँगी जी। ये देखें मैं वापसी पे इधर से भी तीन बंद करके आ गई। अब पांच और तीन तीन दोनों साइडों पे बंद हो चुके हैं। अब फिर हमने लेकिन इस जॉइंट पे हर दफ़ा दो दो ही बंद होनी है। अब फिर मैं यहाँ से दो बंद करूँगी। ओके इधर मैंने वन एंड टू दो बंद किए। अब बाकी मेरे पास एक तीन और यहाँ भी मुझे दो बंद करने हैं। मैं इनको पहले ऐसे उठाऊंगी, करने के बाद इन दो को इकट्ठे बंद कर दूंगी। ठीक अब मैंने यहाँ से केबल भी बनानी है। अब इस दफा केबल भी बनेगी। तीन चार करने के बाद ये मैंने पिक किया, इसको उठा के ऐसे बंद किया और इन दोनों को ऐसे बना लिया। इसी तरह मैं पूरी सीधी सिलाई बना के वापसी पे यहाँ भी दो बंद कर लेती हूँ जी। ये देखें मैंने पाँच तीन दो एक एक बाद में बंद करके पूरा डाट इसी तरह यहाँ भी बना ली। अब आप देखेंगे मेरे नेक इस तरह हो चुकी है थोड़ी सी। ये शोल्डर थोड़े से इधर से ऐसे स्ट्रेट बैक साइड से ज़्यादा अच्छा लगे फील होगा। ये देखें बैक से एकदम से आपको लगेगा कि शोल्डर थोड़े से इधर को ऐसे टर्न होना शुरू हो गए हैं। ठीक ऐसे अब मुझे बस कितने टाइम मैंने दो दो कम किए, वन फोर टाइम मैंने यहाँ पे टू टू कम कर लिए थे। पहले सारे मैं वन वन कम करके आ रही थी, अब मेरे यहाँ वन ही कम होगा। ठीक है अब फिर मैं वन कर देती हूँ शुरू बनाना। करने के बाद अब मैं यहाँ पे फिर ये तो नहीं, अब मेरा ये स्टिच इसके साथ ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक और धागा आगे, फिर ये केबल इस दफा बनेगी। मैं केबल बनाऊंगी आगे। अब फिर मेरा यहाँ पे मैं एक स्टिच बंद कर रही हूँ। ठीक इसी तरह मैं सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद वापसी पे फिर यहाँ एक बंद करके आऊँगी जी। ये देखें अब ऐसा करते हैं कि हम ये नेक के लिए, क्योंकि इसके ऊपर मुझे हुडी अटैच करनी है तो इनफ नेक है। मैं ऐसा करती हूँ कि इस शोल्डर का यहाँ हाफ तक, यहाँ कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह स्टिच मैं अभी बंद करती हूँ और बारह ही मैं जब वापस आऊँगी तो इस साइड पे बंद करूँगी। अभी मैं यहाँ बारह और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम ये सारा बंद कर देंगे। ठीक बारह बंद करने के बाद बाकी मुझे एक एक उसी तरह काम करना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं करूंगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह एंड बारह। बारह मैंने बंद कर लिए, बाकी मुझे उसी तरह बनाना है। ये यहाँ मुझे एक इसके केबल गेट के बंद भी करना है। ठीक ताकि आगे फिर ये केबल के चार धागा आगे करने के बाद के ये इसी तरह मैं केबल के दोनों इस साइड पे
यहाँ इधर भी ऐसे बंद करूंगी और यहाँ भी करने के बाद मैं वापसी पे इसके भी 12 बंद करूंगी। वापसी पे मैंने इधर से भी ऐसे 12 बंद कर लिए थे, ठीक है ना। अभी अब जो हुडी सियेंगे ना तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे। अब बाकी मैंने जो रेस्ट ऑफ है ये सारे इकट्ठे ही बंद कर लेने हैं बैक से। अब ये सारे जो रिमेनिंग रह चुके हैं ये मैं इकट्ठे बंद करती हूँ। लेकिन यहाँ पे केबल आ रही है, मैं केबल बना के मेरे ख्याल में बंद करूंगी तो अच्छा लगेगा। केबल बननी है, अगर हम ऐसे ही बंद कर लेंगे तो खुली मुंह के साथ केबल होगी जरूरी, बस जस्ट फिनिशिंग के लिए। वैसे भी आप बंद कर लो तो चलेगा, लेकिन मैं इसको ऐसे बंद करती हूँ सारे इन केबल को। इस तरह मैंने पूरी केबल बनाने के बाद ऐसे ट्विस्ट करूंगी, करने के बाद अब मैं ऐसे बंद करती हूँ तो वो ज़रा ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी। देखो ऐसे केबल, पूरी केबल बंद हुई है। इसी तरह मैं ये केबल भी करने के बाद पूरे बंद कर लेती हूँ। मैंने बंद कर लिया है, अब मैं इसको धागे को यहाँ से ख़त्म ही हो गया तकरीबन, इसको ऐसे बंद कर लेती हूँ। और जब ये हम ऐसे सियेंगे ना हुडी, इसको प्रोंगी तो ये यहाँ से ठीक लगने लग जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखें कुछ इस तरह इसकी ये बाजू यहाँ से है ना, चलते चलते थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट हो गया तो वो गला अच्छा लगने लग जाता है, ये देखिए ऐसे। वरना और इसने इधर को ऐसे ऐसे खुला होना था, पॉइंटी होना था। अब यहाँ मेरी हुडी अटैच हो जाएगी। आपको नेक को ऐसे इसकी पट्टी को स्टिच करना बता देती हूँ, बाकी तो आपको स्टिच करना आता ही होगा। ये आपने देखा था ना, ये ग्रे धागे के साथ ही ये स्टार्ट हुई थी, तो हमने फिर ग्रे धागे के साथ ही इसकी पट्टी को ऐसे ऐसे सीना है, ठीक। और ये ऐसे बस आप बैक साइड से इसको इसको सी लीजिएगा, कोई मसला ही नहीं है। थोड़े दो चार और यहाँ पे सिलाइयों की वजह से ये ग्रे धागा खुल चुका है, उसका हम भी हल निकालते हैं। देखो ये फ्रंट पे ऐसे सिल गई है। अब ये देखो ये सिलाइयों की वजह से ये ग्रे धागा थोड़ा सा खुल गया था क्योंकि जब मैंने बनाना शुरू किया था। अब इसको यहाँ से मैं खींचूंगी ऐसे, खींच के या तो आप ऐसे, अब देखो ये खींचा और इधर से हाँ ये बेटर है। करने के बाद मैं इसको ऐसे तो मैं इसके अंदर ही इसको ऐसे डाल के ऐसे प्रो लेती हूँ, क्योंकि वो जब आप स्टार्ट करते हो ना तो ये खिंच ही जाता है थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा आपने नीटनेस का ख्याल रखना है बस इसकी, यहाँ से अब यहाँ भी थोड़ा सा मुझे लूज लग रहा है, मैं इधर से भी पिक कर लेती हूँ। करने के बाद बस ये देखिए फ्रंट बैटर तकरीबन ठीक हो गया है। एक बस थोड़ा सा और इसको जब करेंगे ना तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। मैंने इसी के साथ इसको ऐसे प्रो दिया और यहाँ एक नॉट भी लगा देती हूँ ताकि बिल्कुल भी नहीं निकले, ठीक। बस इसी तरह इसको मैं धागे को काट लेती हूँ और ये फ्रंट से जो खुला हुआ था ये देखें ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। बाकी ये मैं ये दोनों साइडों भी सिलाई कर लूँगी और फिर हम बाद में हुडी अटैच करेंगे जी। ये हुडी के लिए मैंने इतना बना लिया है, उसमें मैंने 1-to-1 स्टिचेस लिए। लेने के बाद उसी तरह जैसे कि मैंने आपको स्वेटर पे बताया उसी तरह मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया। साइड पे भी 2 थे और इस साइड पे भी 2 थे और ये बाकी 4
3131 की इसी तरह ये डिज़ाइन जैसे मैंने बताया वो बनता चला गया। और अब इसकी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये 7.5 हो चुकी है, ठीक। और यहाँ से अगर आप देखते हो इधर से लेके इधर तक तो ये 20 इंच है तकरीबन, ठीक। अब हमने ये करना है कि अगर तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा और बना के हुडी को बंद कर दूं तो यहाँ से हुडी पॉइंटी होगी, मुझे पॉइंटी नहीं करनी, मुझे यहाँ से थोड़ी सी जैसे आपने कभी ये जो बाज़ार की हुडीज़ हैं उनको देखा हो थोड़ी सी उन्होंने ऐसे कटिंग की होती है, तो मैं भी वही कटिंग करना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मिडल से कुछ स्टिचेस ले लेते हैं जो कि हम बंद कर देंगे। अगर मैं मिडल ऐसे काउंट कर लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक ये मैं करती हूँ इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इधर तक, ठीक। इस वाले वाइट स्टिच से पहले और इस वाले वाइट सॉरी इस वाले सीधे स्टिच से पहले और इस वाले सीधे स्टिच के बाद कितने स्टिच हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये जो मिडल के 21 स्टिचेस हैं इनको मैं इनकी मैं कटिंग करूंगी सिर्फ। इसको मैं यहाँ एक मार्क कर लेती हूँ, ठीक, और एक मैं इधर मार्क कर लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक इधर मार्क हो जाएगा इस पे। अब इनको हमने बस थोड़ी सी कट कर लेना है ताकि जब हम ये बिल्कुल मिडल में थोड़ा सा राउंड शेप आ जाए। अभी तो क्योंकि मुझे मेरा बिलू धागा लगना है तो जैसे कि इस डिज़ाइन में पहली सिलाई सीधी सीधी होती है तो मैं यहाँ तक सीधा सीधा यानी कि नीट करके बना के आती हूँ। मैंने यहाँ ये नीट करते हुए आ गई हूँ। अब हमने कुछ इस तरह इसको बंद करना है कि वो पैटर्न इतना बुरा भी नहीं लगे और कटिंग भी हो जाए। उसके लिए मुझे जो समझ आती है चलो करके देखते हैं क्योंकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही कर रही होती हूँ तो कैसे अच्छा। अगर मैं इसके साथ ऐसा करती हूँ तो वाइट वाइट पोग नहीं, ऐसा करते हैं कि मैं ये इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ सीधा बनाया, बनाने के बाद इन दो को मैं इकट्ठा नीट कर लेती हूँ, ठीक। फिर मैं एक एंड दो इनको बनाने के बाद इन दो को इकट्ठा नीट कर लेती हूँ, फिर एक ऐसे दो दो के बाद फिर मैं इकट्ठा नहीं, इस तरह हर दो के बाद एक एक बंद होता जा रहा है, ठीक। एक दो और ये इकट्ठा नीट, एक दो और ये इकट्ठा नीट और ये या दो मैंने ऐसे बनाने के बाद मार्क को इधर शिफ्ट कर लूँगी और बाकी पूरी सिलाई मैं सीधी सीधी बनाती चली जाऊँगी और वापसी पे उसी तरह पैटर्न के हिसाब से तीन एक करके बनाऊँगी। लेकिन यहाँ पे आपको अब एक एक बंद हो गया तो यहाँ आपने इसके हिसाब से ही बनाना है। ये देखें मैं पूरी रॉन्ग सिलाई बना के राइट फ्रंट साइड पे उसी तरह सीधा धागे को चेंज करके बनाती चली आ रही हूँ। अब यहाँ से फिर मुझे कटिंग करनी है, इन पे कोई कटिंग नहीं करनी सिर्फ मिडल में। ये मैं ऐसे करने के बाद मार्क को फिर ऐसे कर लूँगी। अब फिर हमने ऐसे करते हैं, ये सीधा मैं ऐसे ही रहती हूँ, ये दो को एक कर लेती हूँ। ये सीधा मैंने बनाया, दो को मैंने इकट्ठा बना लिया, ठीक। फिर ये मैं सीधा बनाऊँगी फिर दो को इकट्ठा बनाऊँगी, फिर सीधा वैसे ही बन जाएगा, दो इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे, दो को इकट्ठा बना लूँगी, ठीक। अब मैं सीधा इन दो को इकट्ठा और ये सीधा और बाकी सिलाई उसी तरह मुझे विदाउट किसी कटिंग के सीधी बना के और रॉन्ग साइड भी पैटर्न को फॉलो करते बनानी है। अब फिर मैं यहाँ से मोर कम करूँगी, मैंने इसको मार्क को इधर कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं इसको सीधा करती हूँ मैं और इन दो को इकट्ठा बना लेती हूँ, ठीक।
इसको सीधा करूंगी, इन दो को इकट्ठा बढ़ा लूंगी, ओके सीधा करूंगी, इन दो को इकट्ठा बना लूंगी, सीधा करो, इसी तरह ये मैं इसको ऐसे बंद करती चली जाऊं, और ये एंड वाला तो वैसे ही आ गया, और ये दोबारा फिर मैंने सारी सीधी सिलाई डाल के उल्टी सिलाई पे पैटर्न के हिसाब से बना के आना है, और ये मेरी यहाँ से थोड़ी सी कटिंग हो रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ से देखिए काफ़ी हद तक ये ऐसे राउंड हो गई है, पॉइंटी नहीं रही। अभी बस हम दो और टू टाइम और बनाएंगे, और ऐसे ये देखिए अब मैं इस अगली दफ़ नेक्स्ट टाइम अब मैं दो 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 करके सिक्स के हैजे तीन स्टिच, और नेक्स्ट टाइम तीन को बंद कर लूँगी तो मेरी ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो मैं कलर चेंज करने के बाद यहाँ तक आती बनाती हूँ, ओके अब मैं ये आ गई हूँ यहाँ पे, और अब मैंने ये मार्क मेरे ख्याल में निकाल ही देते, इसकी नीड नहीं है। करने के बाद मैं इन दो को इकट्ठा एक नीट कर लेती हूँ, एक दो और ये तीन, ठीक ये भी, बाकी मैं उसी तरह सिलाई कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट टाइम मैं उसी तरह कलर चेंज करके बना सीधा बनाते हुए यहाँ पे आ गई। अब मैं तीन को एक कर दूंगी और बस इनफ कटिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसको मैं ऐसे उठाऊंगी, उठाने के बाद मैंने मिडल से दो ऐसे किया और तीन को मैंने इकट्ठा बना दिया, और बाकी मेरी सिलाई उसी तरह, और वापसी पे मैं सारे स्टिच बंद कर दूंगी। वापसी पे मैं इसको निट करते करते ऐसे सारी पूरी को बंद कर दूंगी, मेरी हुडी कंप्लीट हो गई है। अब ऐसे सारी निट करते हुए इसको ऐसे बंद कर देती, ठीक जी। ये देखें मैंने इसको बंद कर लिया, और बंद करने के बाद इसकी देखें इस तरह की यहाँ से शेप आई। जब यहाँ से सिल जाएगा, यहाँ सिल जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी तकरीबन हाफ एट तक लेंथ हो चुकी है। अब मैं यहाँ से पहले हुडी को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलूंगी, ऐसे ये सारा मैं ऐसे सिलूंगी, ओके। अब मैंने इसको सीना शुरू कर दिया है। आप हर एक ये जो बंद किया हुआ ना चेन सी, उसमें से एक इधर से एक इधर से जितना छोटा स्टिच लोगे उतना ही वो नीट सिलाई होगा। जो बड़ा स्टिच लोगे तो वो चुनट पड़ जाती है ना फिर ऐसे। अब बस आप इसको एक एक करके ऐसे सीते चले जाएं, ये देखें, और कोशिश ये करें कि ये सीधा स्टिच सीधे स्टिच के साथ हो। जब आप हर एक एक चेन में लेंगे, कोई चेन स्किप नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली अपने उसके एक दूसरे के साथ ही ऐसे आएगा, ऐसे ये देखिए ऐसे एक एक करके बस आप इसको छोटा छोटा स्टिच लेके सीते चले जाएंगे। देखिए ये देखिए ये मैंने ऐसे हुडी सी ली है ये, और ये अब इस तरह इस शेप में आ गई है। अब यहाँ से मैं स्वेटर के साथ ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह मैंने ये स्वेटर को भी बाजुओं से यहाँ से लेके यहाँ से ये सारा ऐसे सी लिया है दोनों साइडों से, और यहाँ से भी ये देखें तो अब इसकी इस तरह की कुछ शेप आ गई है। ये देखें नेक, ये ऐसे, और इधर भी मैंने ये जो ये मेरी ये पॉकेट थी, इस पॉकेट को मैंने ये थोड़ा सा सिर्फ आप ही कह लें एक इंच तक यहाँ से सी लिया है, और यहाँ ऐसे मैंने दिखाने के लिए नहीं सिया था, ऐसे थे ना आप इसको पकड़ के यहाँ तक ये 8-10 सिलाइयाँ जो एक इंच तक है ना इधर भी सिलोगे तो फिर वो ऐसे यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे ओपन नहीं होगी ना, अपने पास यहाँ से लेके इतना यहाँ भी सी लेना है, ठीक। जैसे ये मैंने सी लिया, ये देखें, ओके, और ये पूरा हो गया। अब हुडी का जो जो मैंने सी है, हुडी को हम ऐसे करेंगे, इसका जो मिडल पार्ट है वो हम इनके मिडल में, इनका मिडल कहाँ है, ये वाला, फिर ये मिडल पार्ट है, हम इस मिडल पार्ट में इसको ऐसे कर लेते हैं, ये, और इसको हुड्डी को ऐसे ये, ठीक।
देखिए, अब हमने इसको ऐसे सीना शुरू कर देना है यहाँ से। तो मैं ऐसे सीऊंगी, ऐसे, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट साइज की, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे थोड़ी सी, बिल्कुल सही एग्जैक्ट साइज की ये हुडी बनी है, ये देखें। और इसका ये भी डन। बस इन सारों को मैं ऐसे दोनों साइड पे सी लूँगी। हर चीज़ मैं वीडियो में कवर नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो ये हुडी भी साथ में ज्वाइन हो जाएगी। तो आई होप कि आपको इसके बाद ये मैं बटन लगा लूँगी। आई होप कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।